नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU BMS से संबंधित। जैसा कि आज वीडियो में हम आपको बताएंगे लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ क्या रही थी, 2020 में इसकी कट ऑफ जाने की संभावना क्या है, कौन सी साइट पर इसके रजिस्ट्रेशन होंगे, कब से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, इस कॉलेज की फ़ीस क्या है, टोटल इसमें कितनी सीटें, इस प्रकार स्टूडेंट के जो सारे डाउट हैं दोस्तों वो इस वीडियो में आज आपके कम्प्लीट किए जाएंगे। तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, सबसे पहले दोस्तों यूनिवर्सिटी बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। हर स्टूडेंट का ये सपना होता है, चाहे वो वेटनरी का हो, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे वो MBBS का हो, कि अपन BHU से अपन सारे कोर्स कंप्लीट करें। और दोस्तों मेरे से ज़्यादा तो आप खुद जानते हो इसके बारे में, क्योंकि आप करंटली अभी इस फील्ड से जुड़े हुए हो तो आपको बहुत आइडिया है कि BHU की क्या वैल्यू है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसकी काउंसलिंग CCC के द्वारा ही कराई जाएगी। एक्चुअली दोस्तों ये जो CCC क्या है, ये सोच रहे होंगे जितनी भी आयुष कोर्स की नेशनल लेवल की काउंसलिंग होती है वो इसी के द्वारा कराई जाती है। तो 2020 में दोस्तों BHU BSC की काउंसलिंग भी इसी के द्वारा कराई जाएगी। हालांकि 2019-18 में BHU के द्वारा खुद के द्वारा इसकी काउंसलिंग कराई जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब अपन दोस्तों बात करते हैं इसमें टोटल कितनी सीटें। तो दोस्तों अगर अपन BMS की बात करते हैं तो BMS की इसमें टोटल 50 सीटें। इसके अलावा दोस्तों अपन VNYS की बात करते हैं तो इसमें VNYS की टोटल 35 सीटें। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं इसमें BHU B Pharma कुछ ऐसा है उसमें, इसका तो अलग ही एग्ज़ाम होता है, उसकी भी इसमें टोटल 30 सीटें। तो दोस्तों अपन को केवल BMS पे ध्यान देना, उसकी इसमें टोटल 50 सीटें। अब दोस्तों लास्ट ईयर की मैं कट ऑफ बता देता हूँ आपको, 2019 में इसकी कट ऑफ क्या रही थी, जिससे कि एक आपको आइडिया लग जाए। देखो रैंक ज़्यादा मायने रखेगा ना कि नंबर। दोस्तों जनरल की बात करते हैं तो जनरल की 22,819 रैंक पर ये कॉलेज मिला था, और नंबर की बात करते हैं 553 नंबर पे दोस्तों ये कॉलेज मिला था। ये है जनरल या EWS, दोस्तों दोनों एक ही माने जाते हैं अप्रोक्स। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं OBC कैटेगरी की। OBC में ये कॉलेज लास् ट ईयर 24,310 रैंक तक और 549 नंबर पर ये कॉलेज मिला था। अब दोस्तों बात करते हैं अपन SC कैटेगरी की। SC में दोस्तों 130,701 नंबर पर ये कॉलेज मिल चुका था। वहीं रैंक की नंबर की बात करते हैं 398 नंबर पर ये कॉलेज मिल चुका था। दोस्तों बात करते हैं ST कैटेगरी की। ST में 158,859 रैंक पर ये कॉलेज मिला था। वहीं बात करते हैं दोस्तों नंबर की, 372 नंबर पर ये कॉलेज की लास्ट सीट फिल हुई थी। तो दोस्तों ये 2019 के डाटा हैं। अब अपन बात करते हैं 2020 के। तो दोस्तों 2020 में आपको पता है कई स्टेटों में कॉलेजों में सीट भरी है। इसके अलावा नीट का एग्ज़ाम हुआ तो कुछ एम्स के डायरेक्ट इसमें एडमिशन होंगे। इसके अलावा कई ऐसे कॉलेज तो जो इस बार बढ़े, तो हो सकता है 10-20 नंबर इसकी और कम जा सके। लेकिन 2020 की एक अनुमानित कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको 590 नंबर प्लस ही मिलेगा जनरल कैटेगरी में। इसके अलावा दोस्तों अपन OBC की बात करते हैं तो OBC में खास कम नहीं होने वाला, 580 नंबर प्लस आपको ये कॉलेज मिलेगा OBC में। इसके अलावा अपन दोस्तों SC कैटेगरी की बात करते हैं, SC में कितने नंबर तक मिलेगा। तो दोस्तों SC में लास्ट ईयर तो मिला था 372, तो इस बार जिस हिसाब से पेपर का लेवल रहा है आप कम से कम दोस्तों 430 से लेके 460 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए, तभी आपको SC कैटेगरी में ये कॉलेज मिलेगा। इसके अलावा अपन दोस्तों बात करते हैं ST कैटेगरी में। ST कैटेगरी में लास्ट ईयर 372 नंबर पर मिला, इस बार कम से कम दोस्तों 410 से लेके 440 के बीच में इसकी कट ऑफ जाने की संभावना है। ये एक्सपेक्टेशन कट ऑफ है दोस्तों, हो सकता है इसमें अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्टों ने यही बताई है। इसके अलावा दोस्तों इसमें टोटल 50 सीटें। वहीं दोस्तों इसकी फ़ीस की बात करते हैं, इसमें 29,000 से लेकर 30,000 के समथिंग फ़ीस है पर ईयर की, तो वो कोई ज़्यादा फीस है नहीं है। अगर दोस्तों आपको इसे कॉलेज मिल जाता तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत शानदार कॉलेज है। और इससे निकलने के बाद आपका करियर कहीं ना कहीं फिक्स है, आपको ईमानदारी पूर्वक और बहुत ही गंभीरता से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, और आप कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे। बहुत शानदार है, BHU का नाम ही काफ़ी है, आपके आराम से प्लेसमेंट हो जाएंगे, आगे आप अपने जीवन को अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाओगे। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।